ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। ये सिलेबस डिस्कशन का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर है और यहाँ से मैं आप लोगों से जुड़ना चाहूंगा। एक करेक्शन के तौर पे आपको बता दूं कि अभी हम लोग मैपिंग कर रहे थे राइट नाउ, और कई दो दिन से एशिया का सेक्शन कर रहे थे। तो मैपिंग में चाहता हूं कि समय को बचाने के लिए मैपिंग का सेक्शन आपको मेरे जीएस बैच के साथ करा दूंगा, ठीक है। ये क्लास आपको होता है 10 बजे, 10 से 11 होता है अभी, तो उसकी लिंक आपको भेज दूंगा जिसमें कि मैपिंग आप उस बैच के साथ कर लें। और इस बैच में साथ मिलके ऑप्शनल का जो मेन कंटेंट एरिया है उसको डिस्कस कर लें, और यहां से विधिवत जो आपके 20 यूनिट है उस पर काम शुरू करें, ठीक है। मैसेज क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ, कोई बोलिए। यस सर। हाँ, चूंकि इसमें टाइम जो जीएस का मैपिंग एरिया है वो काफी टाइम लेता है, आपने देखा होगा एशिया हमने शुरू किया तो एशिया का साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि जो जीएस मेरा बैच है उसमें आप बिना किसी कंट्रीब्यूशन के मैपिंग सेक्शन कर लें, और जिससे पैरेलल हमारा सिलेबस चल पड़े, ठीक है। मैसेज क्लियर? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपके। रोहित, राहुल गुप्ता, आवाज आ रही है? बोल ही नहीं रहे। हेलो। यस सर। हाँ, अब देखो यहां से जो मैं जोड़ना चाहता हूं आज के क्लास में, अब हमारे सामने में इस क्लास में आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लास के बच्चे मोहितुर रहमान हैं और सारे बच्चे जुड़ेंगे, बट पेस जो है ऑनलाइन क्लास का रहेगा, ड्यूरेशन ऐसा रहेगा कि उसकी पेस चेंज नहीं होंगे, राइट। हम इस वे में करेंगे कि दोनों के दोनों जो बैच हैं वो इसको लिख पाए और प्रॉपरली जिस पेस में ऑनलाइन क्लास चलती है चले, ठीक ना। जो रिमेनिंग सेक्शन है जो ऑफलाइन क्लास का वो बाद में हम पूरा करेंगे इसी पेस के अनुसार, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आप प्रॉपर पेस से लिख पाएंगे और उन बच्चों को भी फायदा होगा जो मेरे ऑफलाइन क्लास में जुड़े रहेंगे, ठीक है। ओके, सो आज से मैं विधिवत रूप से आपको बताता हूँ और कंटेंट्स को डिस्कस करता हूँ, और आप सभी मान लीजिए कि अदर देन मैप सेक्शन आपका ये पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है। दूसरा चीज, पहला इंट्रोडक्टरी क्लास कहने का अर्थ हुआ कि फर्स्ट क्लास किसी भी बैच का डीएनए होता है, ऐसा मैं मानता हूं। डीएनए मीन्स उस सारे कॉन्सेप्ट का डिटेल एनालिसिस आने वाले 6-7 महीने या जो सिलेबस का ड्यूरेशन है उसके दौरान आपका विश्लेषण होता है। तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से जोड़ता हूं, ज्योग्राफी ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल। यहां पे देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का दो एरिया है, मेरे साथ नोट्स बनाएंगे और इसको मानेंगे कि आपकी बुनियाद है, आपका बेसिक्स है। सो पहला एरिया जो है वो जो हिंदी में लिखते हैं वो खंड क लिखेंगे या सेक्शन ए लिखेंगे, और जो दूसरा एरिया, किसी का स्पीकर ऑन हो तो ऑफ कर लीजिए प्लीज, जिससे कि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊं। और दूसरा सेक्शन खंड ख है, यानी कि खंड बी है, ऐसा मान लीजिएगा। सेक्शन वन, सेक्शन बी वाला, वन एंड टू। अब देखिए यहां जो सेक्शन है इसको मान के चलिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का एरिया है, बिल्कुल करेक्ट रूप से मानिए कि ये पूरा का पूरा एरिया विश्व भूगोल का एरिया है और विश्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन है। और ये एरिया मान के चलिए कि ये प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन है, यानी कि प्रादेशिक भूगोल में दो सेक्शन, एक भारत का और एक बिहार का अध्ययन है। तो आपको खंड ख से जो सेकेंड एरिया है उससे दो सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे,
बिहार का डिटेल पूछेगा और आपको इंडिया का डिटेल पूछेगा। अब मैं इसे विभाजित किया हूं अपनी मर्जी से आपकी समझ के लिए। दूसरी समझ मैं आपको क्रिएट करना चाहूंगा जहां पे कंड क और ख की बात है, ठीक है ना। पूरे कॉन्सेप्ट बनाइएगा। ज्योग्राफी इतना ही कुछ है, आपको उलझन नहीं होगा। जो खंड क है, चाहे वो किसी भी सिलेबस का हिस्सा हो, नेट का, ज्योग्राफी का, मास्टर डिग्री का, ग्रेजुएशन का, कुछ भी है, ये एरिया खंड का जो है वो क्रमबद्ध भूगोल होता है। हमेशा क्रमबद्ध भूगोल होता है। ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट के तौर पे, वो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जो इंग्लिश में लिख रहे होंगे वो बेहतर से लिखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। और हिंदी में जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ प्रादेशिक या क्रमबद्ध भूगोल। लिखा होगा आपको जहां पर समझ ना आए, जो बातें हो आप जरूर बोलिएगा जिससे मैं हेल्प कर पाऊं। सो फर्स्ट सेक्शन आप पूरा मान लीजिए क्रमबद्ध भूगोल। अब ज्योग्राफी जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको क्रमबद्ध का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, या मेरे जीएस क्लास को किए होंगे उनको समझ में आएगा। क्रमबद्ध भूगोल होता है टॉपिक्स का वर्ल्ड के रेफरेंस में अध्ययन। ये अच्छी से समझ लीजिएगा कि किसी भी अध्याय का, भूगोल के विषय वस्तु का विश्व के संदर्भ में अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल है। आप लिखिएगा नोट्स में, यहां से अपना काम शुरू करेंगे, इसको लिखिएगा। इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वी स्टडी द टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी इन रेफरेंस टू द वर्ल्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वी स्टडी द टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी इन रेफरेंस टू द वर्ल्ड। भूगोल के अध्यायों का अध्ययन विश्व के संदर्भ में करते हैं। रुक के पूरी अच्छे से इत्मीनान से समझ के बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाइएगा कि भूगोल के अध्यायों का अध्ययन विश्व के संदर्भ में करते हैं, क्रमबद्ध भूगोल है। मैं इसी रिया को ऊपर करके ले आता हूं, फिर याद रखिएगा इसका दो खंड है, इसकी चर्चा में करूंगा क्रमशः। तो मैं यहां ले आता हूं खंड का वर्ल्ड क्रमबद्ध भूगोल। मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में, आप इसको बताएंगे। पहला एरिया जो हमने सिलेबस का बताया वो ये बताया कि क्रमबद्ध भूगोल है, और क्रमबद्ध का अर्थ होता है भूगोल के अध्यायों का विश्व के संदर्भ में अध्ययन, द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल टॉपिक इन रेफरेंस टू द वर्ल्ड। अब भूगोल के अध्याय जो हैं वो इस प्रकार है, देखिएगा आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का दो सेक्शन किया हुआ है, यहां ध्यान दीजिएगा खंड का दो एरिया आ गया और उसमें सभी अध्याय हैं। एक सेक्शन इसका मान लीजिए कि खंड ए का रोमन ए और रोमन टू, इसको एक कॉन्सेप्ट बनाइए। रोमन ए जो हुआ ये आपका भौतिक भूगोल का हिस्सा हुआ, भौतिक भूगोल यानी खंड क का रोमन ए पूरा का पूरा रूप में भौतिक भूगोल का हिस्सा हुआ। जो इंग्लिश में लिखते होंगे वो लिखेंगे कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा हुआ, फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा हुआ। सो अभी तक मुझे बाद में फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया उसके अनुसार। और एक चीज जान लीजिए कि किसी भी स्टूडेंट्स का बुनियाद आधार वहां खड़ा होता है जब सिलेबस याद हो जाए। तो इस पूरी क्लास का उद्देश्य है कि आपको ज्योग्राफी का यूनिट और सिलेबस याद हो जाए। आने वाले समय में इन पूरे आवर्स ड्यूरेशन में हम, मेरा उद्देश्य होगा कि आपको यूनिट याद हो जाए जहां पे हम काम करें। सो पहला एरिया हुआ भौतिक भूगोल, जिसको हमने कहा फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखिए हमारे सिलेबस में, बिहार के सिलेबस में इसका हिस्सा बनता है 1, 2, 3, 4 और 5, पांच एरिया बनता है। ध्यान दीजिएगा पहला एरिया बनता है जिसको बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। इसको लिखेंगे इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी। इसका जो इंग्लिश एरिया होगा उसको लिखा जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी। मैं इस पर चर्चा करूंगा कि इसका विषय वस्तु क्या होगा, पहले यूनिट तो याद हो जाए। तो फिजिकल ज्योग्राफी का पहला जो एरिया होगा इट इज जियोमॉर्फोलॉजी, और दूसरा एरिया होगा
उसको बोलेंगे हम समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। इसको बोलेंगे हम ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी। ये आपका समुद्र विज्ञान हो गया, ओशनोग्राफी हो गया। तीसरा हो गया आपका जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। इसको बोलेंगे हम क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, राइट। और चौथा एरिया, इसको मार्क कर दूं, 1, 2, 3, 4 और हमने कहा पांचवा एरिया, यहां पे देखिएगा जैव विज्ञान होगा, जैव विज्ञान। या हमारे बिहार में इसको लिखा हुआ है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, लिखा हुआ है एनवायरमेंट। वैसे बायोजोग्राफी होता है, वहां पे लिखा हुआ है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इसको सही शब्दों में लिखेगा, इसके ऑब्लिक करके पारिस्थितिकी, स्थितिकी और पर्यावरण, पर्यावरण, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारा एरिया है, वो चौथा एरिया है, उसको करेंगे। पांचवा इसको लिखेगा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। कोई जल्दी नहीं है, उसको उस पीस में लिखे कि आपको याद हो जाए, सिलेबस याद हो गया, यूनिट याद हो गया, तो बड़ी उपलब्धि है। सो पांच एरिया याद हो गया। अब एक छोटा सा यूनिट बिहार में जोड़ दिया है फिजिकल में, जो दो ही चैप्टर का है, वो है आपका सॉइल एंड वेजिटेशन। उसको लिखा है सॉइल एंड वेजिटेशन, मृदा और वनस्पति करके। सो मेरे ख्याल से ये छह सेक्शन आपको कंप्लीट याद हो गया होगा, जो बिहार के सिलेबस में खंड ए का प्रथम हिस्सा है। और ओके, याद हुआ फिजिकल ज्योग्राफी का छह एरिया, हाँ। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्लियर। अब देखो मैं बताता हूं, एक ऐसा स्टूडेंट जो ज्योग्राफी को शुरू किया हो या फिर ज्योग्राफी बेसिक जानता हो, दोनों के लिए एक ऐसा एरिया कि इन सभी के लिए एक ही बुक पर हो, वो है क्लास 11 का एनसीईआरटी। पहले जो है आपको लगता हो कि ज्योग्राफी आता है हमें बेसिक तौर पे, तो क्लास 11 का एनसीईआरटी पढ़ें। एक ये सभी एरिया को पूरा करने के लिए कोई बुक मत पढ़ें, कई 10 बुक मत पढ़ें, एक और एक बुक पढ़ें, वो है सबिंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो सबिंदर सिंह का भौतिक भूगोल पढ़ें, और जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं सबिंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी, हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, वो एक संपूर्ण किताब है। संपूर्ण किताब कहने का अर्थ ये हुआ कि वो एक ऐसा बुक है जो ग्रेजुएशन में कहीं पर भी कितनों ही रेफरेंस बुक को पढ़ लीजिए, ये बुक आपका आधार बुक बनता ही है। चाहे जितने भी बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ लीजिए, फाइनल आके हम यहां पे टिकते हैं कि मेरे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। सो दो बुक, एक आपका एनसीईआरटी क्लास 11 पहली बुक, और दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी की बुक अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, ठीक है। दो बुक है। दूसरी चीज, ये सभी कंटेंट्स को एनसीईआरटी से बुक से आपको पहले समझ में नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो आपका अपना ओपिनियन बनेगा जो बहुत ही सॉलिड मैच्योर नहीं बनेगा, राइट ना। इसको बनाने के लिए सबसे पहला चीज है कि मैं क्लास में जिस टॉपिक को पढ़ाऊं उसको नोट्स मेरे साथ बनाइए, मैं बनवा दूंगा। उसके बाद उन चीजों को इस बुक से पढ़ के देखिए, तो ज्योग्राफी का लैंग्वेज डेवलप हो जाएगा। इवन जो मेरे मटेरियल है, रिटन मटेरियल, उससे भी अच्छा होगा कि इस चीज को पढ़िए। अगर आपको अवेलेबल नहीं है या लगता है कि जो कटा हुआ या जो आपका कंसाइज किया हुआ मटेरियल पढ़ना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज जो आपका सबसे पहला मटेरियल बनता है वो मेरा क्लास नोट्स बनता है। मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि क्लास नोट्स बनाना लर्निंग का पहला प्रोसेस है, और बिहार के एग्जामिनेशन के लिए तो और भी अच्छा।
चूंकि बिहार में जितने क्वेश्चन आते हैं स्ट्रीट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जो हम नोट्स में लिखे होते हैं, आपको 100% वहां पे जाके लिखना होता है, राइट? तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले क्लास अटेंड कीजिए, चीजों को मेरे साथ समझिए, जब आपको समझ में आ गया हो मेरे साथ लिखिए, और फिर लैंग्वेज डेवलप करने के लिए इन बुक्स को पढ़िए। दो ही बुक तो हमने कहा है, ठीक है? तो अब बात आती है कि जो इसका जो एरिया है वो कैसा है, थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं, मैं भी ज्योग्राफी ना पढ़ा हो तब भी इस चीज को जोड़ते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल में दो सेक्शन आता है, एक सेक्शन आता है क्रमबद्ध भूगोल का और एक सेक्शन आता है प्रादेशिक भूगोल का। अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रमबद्ध भूगोल का पहला सेक्शन, उसका जो एरिया बना 5-6 बना, लास्ट में जो मृदा भी बना, ठीक है? और इसको हमने कहा फिजिकल ज्योग्राफी, हमने बुक्स प्रिस्क्राइब किया आपको पढ़ने के लिए, वो बताया समीदर सिंह की बुक और एनसीईआरटी बुक। अब देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूं, कम से कम फर्स्ट सेक्शन का, जिससे कि आपको एरिया कंफर्म हो जाए, राइट? सबसे पहला चीज है कि अगर आपको मैं पूरा डिटेल याद करा दूं, मैं जियोमॉर्फोलॉजी की बात करता हूं, जियोमॉर्फोलॉजी इसके कंटेंट्स में याद कराता हूं कि कैसे याद करेंगे। भू आकृति विज्ञान है, इसको लिखिएगा, पहला भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। अब बताइए आप में से कोई भू आकृति विज्ञान किसकी शाखा है, किसकी ब्रांच है? फिजिकल ज्योग्राफी जो ब्रांच ऑफ, सॉरी जियोमॉर्फोलॉजी जो ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की, कितनी ब्रांच हमारे पास हैं? कौन कौन, कौन कौन सी ब्रांच? हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब देखिए मैं इस क्लास में इस सेक्शन के कंटेंट्स को याद दिलाता हूं कि वो विज्ञान किस विषय से संबंधित है, किस कंटेंट से संबंधित है और उसको किस प्रकार हम डेवलप करेंगे। सो जियोमॉर्फोलॉजी में एक टर्म याद कीजिए तो पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, ऑर्डर्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। इसको बोलते हैं भू आकृतियों का क्रम, भू आकृतियों का क्रम। देखिए अगर एक शब्द आपको अच्छा समझ में आ गया तो पूरा जियोमॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा। सो इसको हमने कहा भू आकृतियों का क्रम, द ऑर्डर्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। देखिएगा पूरी जियोमॉर्फोलॉजी में तीन ऑर्डर्स आते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, आप नोट्स बनाते चलेंगे, और सेकेंड ऑर्डर द्वितीय क्रम एंड थर्ड ऑर्डर। पूरी सिलेबस में तीन ही बातें हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट बताया उसको पूरा याद करने के लिए कीजिएगा कि इस पूरी सिलेबस में तीन ही वर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर, इसको हिंदी में लिखेंगे प्रथम क्रम, प्रथम क्रम, इसको हिंदी कर इंग्लिश कर दीजिए सेकेंड क्रम, द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम, थर्ड क्रम। अब इसको समझिए, जहां भी नोट्स बनाए होंगे मेरे बोर्ड्स को फॉलो करके, बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेगा वहां से आप रिवाइज कर लेंगे, एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। देखिएगा जैसे हमारी पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी जब बनी होगी तो वहां पे दो ही चीज होगा, एक महाद्वीप होगा और वहां पर महासागर का नितल होगा, महासागर नितल होंगे, दो ही चीज होगा। मैं महासागर की बात नहीं कर रहा हूं, महासागर की नितल की बात कर रहा हूं। सो इट्स अ कॉन्टिनेंट एंड द ओशनिक बॉटम। जो ओरिजिनल लैंड फॉर्म्स हुआ उसको हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर। सो इसको लिख लीजिएगा भू आकृति विज्ञान में सबसे पहली चीज कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ महाद्वीप और सागर के नितल का विकास हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ
महाद्वीप और महासागर के नितल का विकास हुआ. इसको इंग्लिश करना चाहिए तो लिखिए विद द ओरिजिन ऑफ अर्थ देयर वाज ओरिजिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशनिक बॉटम. द ओरिजिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक बॉटम दीज आर नेम्ड एज फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. इसे हम प्रथम क्रम की भू आकृति कहते हैं. दीज आर नेम्ड एज फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. अब जिसे देखिएगा हम जितने महाद्वीप पढ़ते हैं वो सारा क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हो गया. जितनी महासागर है उसके तल में जितनी भू आकृतियां हैं वो सभी क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया. दूसरा देखिएगा सेकेंड ऑर्डर. ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को और उसे याद हो जाएगा. इसको बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस. क्या हो गया, इंडोजेनेटिक, आंतरिक बल के कारण बनी हुई भू आकृति. आंतरिक बल के द्वारा बनी हुई, ये लिखेगा आंतरिक बल के द्वारा बनी हुई भू आकृति. जैसे देखिएगा आप, थोड़ा सा परिचय तो जरूर होगा भूगोल का. जैसे आपने देखा होगा कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कहीं पे माउंटेन फॉर्म होता है, कहीं पे देखिएगा टेक्टोनिक मूवमेंट होता है. तो ये सारे के सारे पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से होते हैं और आंतरिक हिस्से के कारण जो भू आकृति बनती है उसको हम सेकेंड ऑर्डर कहते हैं. तो देखिएगा पृथ्वी के सतह पर जो भी इंडोजेनेटिक फोर्स है, टेक्टोनिक फोर्स है, उसके कारण जो भी लैंडफॉर्म बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर होगा. मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि माउंटेन्स हैं, वॉल्केनोज हैं, ये क्या हो गए, सेकेंड ऑर्डर. लिखेगा कि द्वितीय क्रम की भू आकृति जो पृथ्वी की सतह पर आंतरिक बल के कारण बनी हो, द सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म ओरिजिनेट्स बाय इंडोजेनेटिक फोर्स. द सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स ओरिजिनेट बाय इंडोजेनेटिक फोर्स. एग्जाम्पल लिख लीजिए तो आपको और समझ में आएगा. सो यू राइट अ माउंटेन, अ वॉल्केनोज एंड प्लेटूज. लिखो पर्वत, पठार और मैदान. पर्वत, पठार और ज्वालामुखी, माउंटेन, वॉल्केनोज एंड प्लेटूज, ये सभी हो गए इंडोजेनेटिक फोर्स. अब देखिएगा यहां पे तीसरा है, थर्ड एरिया. ध्यान दीजिएगा वर्ड से ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इसको बोलते हैं वाहिबल. क्या हुआ, वाहिबल, या इसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स. एक्सोजेनेटिक या वाहिबल, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जितने एजेंट काम करते हैं. देखिएगा नदी काम करते हैं, नदियां काम करती हैं, वहां पे पवन काम करता है, सागरीय तरंग काम करते हैं, लाइमस्टोन का रनिंग वाटर काम करता है. तो ये सभी जितने भी लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं वो कहलाएगा एक्सोजेनेटिक फोर्स. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने डेल्टा पढ़ा होगा, आपने यू आकार की घाटी पढ़ा होगा, कहीं पे वाटरफॉल का नाम सुना होगा, ये सभी क्या हो गए, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. सो मर्फी ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया कि जियोमॉर्फोलॉजी में तीन क्रमों की भू आकृतियों का अध्ययन होता है. सो इसकी बात को लिखेंगे, दैट इज थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. इसको लिखेगा तृतीय क्रम की भू आकृतियां. तृतीय क्रम की भू आकृतियां, द लैंडफॉर्म्स ओरिजिनेटेड बाय एक्सोजेनेटिक फोर्स. ऐसी भू आकृतियां जो बाह्य बल के कारण बनती हो, द लैंडफॉर्म्स ओरिजिनेटेड बाय एक्सोजेनेटिक फोर्स एंड दीज आर द लैंडफॉर्म बाय रिवर्स, विंड्स एंड ग्लेशियर. लिखो ये भू आकृतियां हैं नदी, पवन और हिमानी, इवन सागरीय तरंग. अब देखो पूरी जियोमॉर्फोलॉजी में इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से पढ़ते हैं और पूरा जियोमॉर्फोलॉजी इतना ही है. फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, वॉल्केनो, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशनिक बॉटम, उसका निर्माण और उसका वितरण. द्वितीय क्रम की भू आकृति जो आंतरिक बल के कारण बनी हो और तृतीय क्रम की भू आकृति जो बाह्य बल के कारण बना हो. बाह्य बल को समझना जरूरी है. यहां पे टर्म यूज होता है डेन्यूडेशन, डेन्यू
डीसेंट, इसको बोलते हैं हम अनाच्छादन, हिंदी का शब्द हुआ अनाच्छादन। क्या शब्द हुआ? अनाच्छादन। अनाच्छादन मीन्स क्या हुआ कि एक माउंटेन एरिया है और प्लेन एरिया है, तो माउंटेन एरिया में अपरदन होगा और प्लेन एरिया में निक्षेपण होगा, और इन दोनों के कारण भूआकृतियों का विकास होगा, और यह कह सकते हैं कि ये दोनों टूटकर समतल हो जाएंगे। इस समतल करने की प्रक्रिया को डेन्यूडेशन कहते हैं। तो देखिएगा, लैंडफॉर्म्स का निर्माण इरोजन से भी होता है और लैंडफॉर्म्स का निर्माण डिपोजिशन से भी होता है, और इरोजन और डिपोजिशन को सामूहिक रूप से अनाच्छादन कहते हैं। सो रिवर, विंड, ग्लेशियर, जितने भी एजेंट्स हैं वो काम एक ही करते हैं, वो करते हैं अनाच्छादन का काम और डेन्यूडेशन का काम, जिससे भूआकृतियों का विकास होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज बच गया, ये जितनी भूआकृतियां हैं बनेगी किससे? रॉक से बनेगी, तो रॉक आपका एक अलग टॉपिक हो जाता है, बाकी इतने ही टॉपिक हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस आपको याद हो गया होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट आर द मेन कंटेंट एरिया ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। सो एक शब्द में क्या हुआ बताइए कि जियोमॉर्फोलॉजी में किन चीजों का अध्ययन करते हैं, व्हाट आर द मेन कंटेंट एरिया ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्या होता है, कोई बताओ एक शब्द में कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? कौन सा लैंडफॉर्म्स? नहीं, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द में पूरा सिलेबस हो। हाँ बताइए, जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें एक शब्द में पूरा सिलेबस हो, उसका आपको समझिए कि ये अच्छा, हाँ बताइए, एक शब्द में पूरा सिलेबस का ज्ञान हो। ठीक है, कौन सा शब्द? हमने कहा ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्या है वो? ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, या उसको हमने हिंदी में कहा भूआकृतियों का क्रम। कितने क्रम की भूआकृतियां होती हैं? यहां से साउंड आ जाए बताइए तो, एक मैच कीजिए। तो हमारे पास वाटरफॉल है, कौन सा ऑर्डर हुआ? जलप्रपात, डेल्टा, डेल्टा, अच्छा बताइए कि वॉल्केनोज, ओके, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, हाँ, तो इस तरह कॉन्सेप्ट रखिएगा, सिलेबस याद हो जाएगा। अब देखिएगा कि हमारे पास सिलेबस का दूसरा हिस्सा हो गया, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को समझना और उसके कंटेंट को याद रखना जरूरी है, और इसका जो आपको एरिया आएगा जिसको हिंदी में कहते हैं जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, इसमें एक चीज को पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स एंड डायनामिक ऑफ एटमॉस्फेयर, डायनामिक ऑफ एलिमेंट्स। देखो एक शब्द में पूरा सिलेबस आया, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे जलवायु के तत्व और उसकी गत्यात्मकता। देखो कितना सा क्लियर शब्द आया, जलवायु के तत्व और उसकी गत्यात्मकता। जलवायु के तत्व तीन ही होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक तत्व हुआ तापमान, दूसरा हो गया वर्षा, और तीसरा हो गया वायुदाब। वायुदाब, इन सभी में जितने परिवर्तन होते हैं उसे हम कहते हैं गत्यात्मकता। सो इन क्लाइमेटोलॉजी वी स्टडी थ्री एलिमेंट्स, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेशर। वर्षा ह्यूमिडिटी का हिस्सा है, और इसके डायनामिक को पढ़ते हैं, इसकी गत्यात्मकता को पढ़ते हैं। इसमें एक, जैसे हमने उसमें रॉक एक चैप्टर डाला था,
ठीक उसी तरह यहां पे सभी का एक कंबाइंड रूप हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो देखिएगा आपके सिलेबस में कॉपिन का वर्गीकरण है, थॉर्डवीट का वर्गीकरण है, दोनों का कंपैरिजन है, दैट्स एक्स्ट्रा वन। बाकी जितनी चीज है सेम चीज आता है, क्लियर। तो इन चीजों को आप याद करेंगे जो क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा है। तो क्लाइमेटोलॉजी में देखिएगा लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, और फाइनली देखिएगा टाइप ऑफ रेनफॉल में आपको साइक्लोन नजर आ जाएगा, विंड सिस्टम आ जाएगा। तीन चीजों को हम तीन चीजों से जोड़ के पढ़ते हैं, क्लियर। आपको ये चीज मैंने समझाया कि क्लाइमेटोलॉजी का मेन कंटेंट एरिया। अब देखिएगा कि तीसरा एरिया दैट इज ओशनोग्राफी, ओशियनोग्राफी। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं, सिर्फ उसके वर्ड्स को बताता हूं, आपसे क्लियर हो जाएगा। ओशनोग्राफी में एलिमेंट्स ऑफ वाटर एंड डायनामिक ऑफ वाटर, देखो दोनों में एक ही शब्द हमने लिया, डायनामिक ऑफ वाटर, दो ही चीजें, और कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। पूरा ओशनोग्राफी अगर दो शब्द से क्लियर होता हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ वाटर में दो चीजें हैं यहां, एक है आपका सैलिनिटी ऑफ वाटर, उसमें कौन चीज से मिलकर जल बना हुआ है। दूसरा टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर है। डायनामिक में दो चीजें हैं, एक देखिएगा टाइड पढ़ना है, राइट, और दूसरा चीज आपको वेव पढ़ना है वहां, और इस कंपोनेंट से बना हुआ चौथा जो इसका हिस्सा बनता है वह है कोरल्स, क्लियर। सो इतना ही मैं हिंदी में लिखा देता हूं। लिखेगा महासागर विज्ञान में दो प्रमुख तत्वों का अध्ययन होता है, इन ओशनोग्राफी वी स्टडी टू मेजर कंपोनेंट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट यू राइट एलिमेंट्स ऑफ वाटर, जल के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ वाटर। इसको डिटेल करेंगे तो लिखिए सैलिनिटी दैट इज लवणता, और दूसरा लिखेगा टेम्परेचर। सो जल का तापमान और जल की लवणता आपको पहले चैप्टर्स के रूप में आता है, और जल के गति से संबंधित दो चीजें हैं, वेव आमतौर पर डिटेल नहीं पूछा गया आपके सिलेबस में, टाइड लिखा गया है, उसको लिखेगा ज्वारभाटा। और इन शब्दों से अलग आपको एक टॉपिक बनता है दैट इज कोरल्स या प्रवाल। हर एक में देखिएगा एक टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ता गया है जो आपके उस एलिमेंट्स का हिस्सा नहीं होता है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में हमने रॉक जोड़ा, क्लाइमेटोलॉजी में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जोड़ा, और ओशनोग्राफी में हमने कोरल्स जोड़े, ठीक है। नाउ कम टू फोर्थ एरिया दैट इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब देखिएगा ये एरिया जो है बच्चों को परेशान करता है, समझने ऐसा समझते हैं कि यह सबसे मुश्किल एरिया है, बल्कि सबसे इजी एरिया है, राइट। इसमें पढ़ना है इन्वायरमेंट का फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट, भौतिक तत्व एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट, बायोलॉजिकल एलिमेंट। देखिएगा जैविक तत्व और भौतिक तत्वों को पढ़ना है, जैसे देखिएगा तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, मिट्टी हो गया, इन सभी का पर्यावरण पे प्रभाव को हम बोलते हैं फिजिकल एलिमेंट। सो राइट दैट द फिजिकल एलिमेंट्स आर टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, और जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो गया दैट इज फ्लोरा एंड फौना, जीव और जंतु। अब यहां पे लास्ट एरिया जो रही है जो आपको पढ़ना है इस एरिया में देखिएगा इसके लेयर्स पढ़ने हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, जोड़ दीजिए इसको नेक्स्ट एरिया में, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। लिखेगा पारिस्थितिकी की संरचना,
संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोम्स, डिफरेंट बायोम्स लिखेगा, विश्व के जितने बायोम्स हैं उसको पढ़ना। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सिलेबस में आएंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। आप देखिएगा सबसे छोटा यूनिट जो पारिस्थितिकी का होता है वो पॉपुलेशन होता है, कोई जंतु जीव का पॉपुलेशन होता है। जब पॉपुलेशन कई मिलता है तो समुदाय बनता है, कम्युनिटी बनता है, और कम्युनिटी कई जगह इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम जब लार्ज होता है, कई इकोसिस्टम मिलते हैं, तो उसको हम बायोम या बायोस्फीयर कहते हैं, बायोम देन बायोस्फीयर। एक सीरीज बनाइए तो हमारे इकोसिस्टम कैसे ग्रो करता है फ्रॉम अ लोअर स्ट्रक्चर टू हायर स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या हुआ, हाँ तस्वीर बताओ कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करता है फ्रॉम रूट लेवल टू टॉप लेवल। सबसे पहले नहीं, मेरी बात समझी नहीं, मैं सिर्फ इकोलॉजी एनवायरमेंट की बात कहा, उसमें बायोम्स से जो नीचे का लेयर्स होता है कैसे होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ, बायोम्स में स्मॉलेस्ट यूनिट हमने कहा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएगा, कम्युनिटीज, समुदाय, समुदाय मिलके क्या बनाएगा, इकोलॉजी, राइट, जैविक अजैविक मिलकर। अच्छा जब इकोलॉजी बन गया तो फिर बायोम्स बन गया, और बायोम्स से बड़ा क्या हो गया, इट्स अ बायोस्फीयर। तो हमारे इस सिलेबस में देखेगा कि बायोम्स को पढ़ना है, और द लास्ट टॉपिक है हमारा सॉइल एंड वेजिटेशन का एरिया, ठीक है। अब ये सभी को एक बार रिकॉल कीजिए कि आपको सिलेबस के वन पहले खंड का पांचों यूनिट याद हुआ, पहले यूनिट का नाम बताइए फिर हम आगे चलेंगे, कौन कौन से यूनिट हो गए, पांच यूनिट, ओके सभी का एक एक शब्द बताइएगा तो मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा, सभी को कई शब्दों में नहीं याद करना है। मेरी एक चीज और समझिएगा, जब हम किसी पैराग्राफ को लर्न करते हैं या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो पूरी पैराग्राफ को नहीं रटते हैं, उसके की वर्ड को सामने लाते हैं, पैराग्राफ खुद ब खुद याद हो जाता है। आप देखिएगा जियोमॉर्फोलॉजी में एक सिंगल वर्ड पूरी जियोमॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करता है, कौन सा वर्ड, वेरी गुड। अब बताइए क्लाइमेटोलॉजी में एक शब्द पूरी क्लाइमेटोलॉजी को बताता है, दो शब्द मिलके क्लाइमेट, डायनेमिक ऑफ एलिमेंट्स एंड डायनेमिक ऑफ एटमॉस्फेयर, वेरी गुड। नाउ ओसनोग्राफी एंड डायनेमिक ऑफ वाटर में मेजर टॉपिक क्या हुआ, हाँ वेरी गुड। तो इस तरह आपको एक व्यू आ गया, फर्स्ट सेक्शन का व्यू आ गया। नाउ कम टू द सेकेंड सेक्शन, दैट इज ह्यूमन इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये है मानव और आर्थिक भूगोल, आपका सेकेंड सेक्शन है। आमतौर पे देखिएगा जो बच्चे पूरा टाइम देते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को देते हैं, जो आपका ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वहां पे टाइम कम देना चाहते हैं, वहां पे जाके इंटरेस्ट भी लगता है कि ये फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, बल्कि ये एरिया ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। और आपको अगर सबसे बेहतर मार्क्स लाना है तो फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा इसको अच्छा कीजिए, तो आपको 200 से ज्यादा किसी भी हाल में आएगा अगर ह्यूमन इकोनॉमी सेक्शन बहुत ही अच्छा है। सो देखिएगा यहां इस एरिया का फर्स्ट एरिया है वो ज्योग्राफिकल थॉट है। मैं आज इस सेक्शन में ज्यादा टाइम दे रहा हूं कि आपका फिर आगे का एरिया क्लियर हो जाए। ज्योग्राफिकल थॉट इसको हिंदी में लिखेंगे भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट दैट इज ज्योग्राफिकल चिंतन, हिंदी में लिखेंगे भौगोलिक चिंतन। अब देखिए यहां पर देखिए कि
ज्योग्राफिकल थॉट क्या है एक्चुअली, जैसे किसी विषय का इतिहास होता है ना, वैसे ज्योग्राफी का इतिहास है। तो उस ऐतिहासिक विकास के क्रम में जिन ज्योग्राफर्स ने कंट्रीब्यूट किया उन सभी को पढ़ना है, जिन विधाओं को विकसित किया उन सभी को पढ़ना है। तो एक शब्द में कहिए कि जिसको ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफिकल थॉट आता है, इट मीन्स ज्योग्राफी के सभी पहलू से वो परिचित होगा। मेंस में आपको अगर आंसर लिखने का अवसर मिले तो थॉट के क्वेश्चन जरूर लिखिए, आपके मार्क्स को कई गुना, कई प्लस डायरेक्शन में ले जाएगा और एग्जामिनर को ये लगेगा कि ज्योग्राफी का प्रॉपर नॉलेज इसके पास है, राइट? तो उसमें देखिएगा कि ज्योग्राफी के विकास में हम पढ़ते हैं स्कूल्स को, स्कूल्स ऑफ थॉट्स को। अगर सभी स्कूल्स ऑफ थॉट आपको बहुत क्लियर है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, देखिएगा जर्मन स्कूल है यूरोपियन चिंतन में, लिखेगा जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट है, राइट, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है। तो देखिएगा ये सभी जो एरिया है उससे आपको एक आधार तैयार हो जाएगा कि भूगोल का विकास मुख्यतः जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि 17वीं शताब्दी के बाद किस रूप में हुआ। जर्मन ज्योग्राफर बहुत ही पहले कंट्रीब्यूट किया, हम बोल्ट रीटर का नाम सुनेगा, फिर ब्रिटिश ज्योग्राफर जो है आप मैकिंडर का नाम सुनते होंगे, स्टैम्प का नाम सुनते होंगे, फिर अमेरिकन ज्योग्राफर ने कंट्रीब्यूट किया, अर्बन ज्योग्राफी, फिजिकल, सभी एरिया में कंट्रीब्यूट किया। तो ये स्कूल ऑफ थॉट आपको पढ़ना है, वहां पे लिखा हुआ है यूरोपियन ज्योग्राफर्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन। तो ब्रिटिश, फ्रेंच, इसको फ्रेंच लिखिएगा, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। तो चार स्कूल हमने लिखा दिया, चौथा भी लिख लीजिए। सो पूरे जितने स्कूल ऑफ थॉट है उसमें चार स्कूल ऑफ थॉट का जितना ज्योग्राफर है जिसके कंट्रीब्यूशन अगर पढ़ लिया तो ज्योग्राफी बहुत ही क्लीन रूप में समझ में आ जाएगा। सिलेबस से थोड़ा सा ब्रॉड करके हम सभी स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ा देंगे तो उसमें क्या है, जर्मन के ज्योग्राफर आ जाएंगे, फ्रेंच आ जाएंगे, ब्रिटिश आ जाएगा, अमेरिकन आ जाएगा, और उसके बाद उनकी विधाओं को जो बीपीएससी पूछता है उन विधाओं को तीन क्वेश्चन तैयार कर लीजिए तो जरूर जरूर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो एक है डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी, इसको बोलते हैं द्वैतवाद, द्वैतवाद या डुअलिज्म। जिसे देखिएगा हर एक धर्म में, हर एक व्यक्ति के विचार में विचारों का द्वंद चलता है, उस द्वंद के अनुसार विषय वस्तु का निर्माण करता है। जैसे देखिएगा हमारे यहां धर्म है, सभी धर्मों का दो पक्ष है, देखिएगा श्वेतांबर है, दिगंबर है, महायान है, हीनयान है, सिया है, सुन्नी है, एकेश्वरवाद है, बहुदेववाद है, इस तरह की विचारधारा धार्मिक क्षेत्रों में आता है। भूगोल में जो है डुअलिज्म है, कोई एक डुअलिज्म हमेशा आपको क्वेश्चन का हिस्सा बनता है। आमतौर पर देखिए बिहार का जो बड़ी पॉपुलर क्वेश्चन है हमेशा से पूछता है वो डुअलिज्म है निश्चयवाद और संभववाद, निश्चयवाद और संभववाद। तो ये क्वेश्चन को आप जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, थॉट्स पढ़ते हैं तो उसको पहली प्रायोरिटी देते हैं, राइट? वो डुअलिज्म का हिस्सा हो गया, दैट इज डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। वो आपको जर्मन ज्योग्राफर और आपके फ्रेंच ज्योग्राफर का बीच का एरिया हुआ। उसके बाद देखिएगा जो अमेरिकन ज्योग्राफर इधर आएंगे तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आएगा, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, उसमें आएगा आपको मात्रात्मक क्रांति। देखिएगा बिहार के क्वेश्चन में हर एक अल्टरनेट ईयर, एक नहीं दूसरे वर्ष हमेशा देखिएगा मात्रात्मक क्रांति जरूर पूछता है। सो देखिएगा इन सभी ज्योग्राफर स्कूल के बाद डुअलिज्म है और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है, आपकी एग्जामिनेशन का हिस्सा बनता है। लास्ट देखिएगा, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है हमारे बच्चों का, ये एरिया है जो व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है, इस एरिया से क्वेश्चन आया था लास्ट मेंस एग्जामिनेशन में। तो मैं फिर से आपको रिकैप करता हूं, मेरे बोर्ड में जितनी बातें हैं उसको सिलेबस का एक आधार एरिया के लिखेंगे कि हमारे यहां स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ ज्योग्राफी में, और स्कूल ऑफ थॉट में
जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन चार ज्योग्राफर को ग्रुप को पढ़ना है। उसके बाद ये चार क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर इतना तैयार कर लिया तो 100% आप थॉट से बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे। इस चीज को डेवलप करना, इन चीजों को परफॉर्म करना मेरा काम है। जो सरलता से आपको समझ में आ जाए, उसका नोट्स बन जाए और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप उसको बेहतर से लिख पाए। आप देखिएगा और भी बढ़िया अच्छा है। यूपी का फॉर्मेट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिहार के फॉर्मेट में एक बड़ा सा अच्छा अंतर आया कि देखिएगा कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। पहले 50 और 25 था, तो 50 वाले में एग्जामिनर को कभी 40 मार्क्स देना बहुत दम का चीज लगता था कि इतना कैसे दे दें। 25 मार्क्स में 18 मार्क्स देना तो आसान सा काम है। 19-20 मार्क्स भी देना आसान काम है। उसमें एग्जामिनर को ये नहीं लगा कि हमने 40 दे दिया, राइट। तो आपके स्कोर मोर देन 200-210 आना आसान सा काम हो जाता है अगर आपने कंटेंट पे महारत हासिल कर रखी है। इसके कारण देखिएगा ज्योग्राफी का रिजल्ट जो है मेसिवली बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मानव भूगोल का पहला यूनिट आपको याद हो गया होगा और ये रिया है भौगोलिक चिंतन का, इसको जरूर लिखिएगा। अब दूसरी बात, इसके लिए हम कौन सी बुक पढ़ें? मेन चीज है हमारे नोट्स हैं, मैं क्लास में लिखा दूंगा। यहां पे एनसीईआरटी आपको मदद नहीं करेगा, राइट। एनसीईआरटी से इसका कोई संबंध नहीं है। यहां पे जो संबंध है थॉट को डेवलप करने का वो माजिस्टर की बुक है। माजिद हुसैन की बुक पढ़िए, ये मदद करेगा। या फिर जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, माजिद हुसैन की बुक दोनों ही मीडियम में बहुत अच्छी बुक है। जैसे कहिए कि दो आधार है हमारे इंडिया के प्रिपरेशन का, सिविल का या कॉलेज प्रिपरेशन का। एक ही साथ देखिएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन सारे पढ़ते हैं शविंदर सिंह की बुक को। यहाँ पे जो ह्यूमन सेक्शन है वो सभी के सभी माजिस्टर को पढ़ते हैं, या जो अच्छी इंग्लिश पढ़ने वाले हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपर समझ में आता है और टाइम दे सकते हैं, बिल्कुल नोटबुक टाइप का वो बुक है, क्वेश्चन फ्रेम में बुक है, वो है सुदीप्ता अधिकारी। सुदीप्ता अधिकारी की बुक आप कहिए कि ये बुक बहुत ही शानदार बुक है। पटना में अवेलेबल है, आप देखिएगा हर एक जगहों पे, और इंग्लिश मीडियम में एक्चुअली बुक है। इस कारण से हिंदी मीडियम के बच्चों को ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, वहाँ माजी सर की बुक पढ़ेंगे। तो सिक्स एरियाज का आपको बुक क्लियर हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड का फर्स्ट एरिया ज्योग्राफिकल थॉट। अब देखिएगा दूसरा एरिया है वो ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। देखिएगा सीक्वेंस में आपका यूनिट आएगा मानव भूगोल। अब देखिए मानव भूगोल के दो पक्ष हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, और यहां पे बुक ना खरीदिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी बुक में आपको सभी के सभी कंटेंट्स नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो एग्जाम के अनुरूप नहीं मिलेंगे। तो जरूरी है मानव भूगोल का जितना टॉपिक जनसंख्या और सांस्कृतिक भूगोल से रिलेटेड है वो सभी के सभी आइदर मेरे नोट्स से पढ़ेंगे या क्लास नोट्स पढ़ेंगे। इसमें कोई टेक्स्ट बुक मत पढ़िए, बहुत लेंदी पड़ेगा और उस चीज़ को आप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम के लिए हो जाएगा। सो जो मैं स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूँ वहाँ से करेंगे, क्लास नोट्स तैयार करेंगे उससे करेंगे। तीसरा एरिया है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं हम आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। देखिएगा आर्थिक भूगोल का एरिया बहुत ही लेंथी एरिया है, उसमें सैद्धांतिक पक्ष भी है और आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी एरिया आएगा। जैसे आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम सेक्टर्स पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर पढ़ते हैं, उन्हीं सेक्टर्स का डिटेल है। उसमें दो चीज अलग से है, ध्यान दीजिएगा। एक उसमें देखिएगा कि थ्योरीज नजर आएगा, सिद्धांत नजर आएगा, और दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष नजर आएगा। जैसे एग्रीकल्चर ले लीजिए तो एग्रीकल्चर में आपको बॉन थ्यूनन मॉडल मिलेगा, इंडस्ट्री पढ़िए तो वीवर की थ्योरी मिलेगी, राइट। तो इस तरह के सिद्धांत
आपको सिद्धांत भी मिलेगा और उसका एप्लीकेशन भी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मैं डिटेल नहीं बताता हूँ, सिर्फ याद रखना है अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और उसका सिद्धांत। अब ये एरिया है ऐसा कि अगर मैं बुक कहूँ तो आपको बेहतर ना मिलेगा और बहुत लेंथी पड़ जाएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अलका गौतम की बुक है, अच्छी बुक है, इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे क्लास नोट्स को पढ़िए, वहाँ पे उतना ही चीज़ है जितना ज़रूरी है, राइट। चौथी चीज़ ये है, वो है आपका वस्ती भूगोल, या कहते हैं उसको सेटलमेंट ज्योग्राफी, वस्ती भूगोल। देखिए वस्ती भूगोल का जो एरिया है उसमें मानव बस्ती, हमने एनसीईआरटी में भी बेस है, आपको आधार वहाँ से बन जाएगा। और वस्ती भूगोल को बंसल से पढ़िए, मैंने जितनी भी बुक देखी है जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए है उसमें बंसल की बुक में हमें वो सारा कंटेंट्स मिलता है जो हमारे सिलेबस को पूरा करता है। आपको अगर उस जो सिलेबस है उतने रिलेटेड जेरोक्स भी करा लीजिए, 8 से 9 टॉपिक, तो आपको इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों हेल्प करेगा, ठीक है। सो मेरा ये एरिया आ गया। अब देखिएगा पांचवा, जो सेकेंड एरिया का पांचवा है, यानी कि ह्यूमन इकोनॉमी एरिया का पांचवा एरिया है, वो एरिया है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगेन देखिएगा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक के लिए कोई भी बुक मत पढ़िए, एक्चुअली आपको प्रॉपर नोट्स रूप में या डिटेल एरिया में पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आंसर के अनुरूप न मिलेगा। तो क्लास नोट्स पढ़िएगा, क्लास नोट्स फर्स्ट चीज है, और उसके बाद जो प्रिंटेड मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट के पास मिलेगा वो आपको एग्जैक्टली उन एरिया को कवर करेगा जो हमारे बिहार के सिलेबस में है। एनीवे, अब जो है हमारा, चूंकि इस क्लास के पूरे लेक्चर का उद्देश्य ये था कि आपको सिलेबस याद हो जाए दोनों ही एरिया का, ए सेक्शन का 1 और 2, खंड क का 1 और 2। खंड क का 1 हमने याद करा दिया था, खंड 1, 2 का 5 यूनिट बताइए। पहला यूनिट क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट ऑफ सेकेंड एरिया, हाँ क्या हुआ, ह्यूमन इकोनॉमी ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट क्या हुआ, हाँ उसके लिए बुक हमने क्या बताया, मौजूद सेन, उसमें कितनी स्कूल ऑफ थॉट हुआ, स्कूल जर्मन ब्रिटिश अमेरिकन फ्रेंच, हाँ वेरी गुड, तो थॉट्स हो गया। उसमें 3 प्रमुख क्वेश्चन हमने बताया जो आमतौर पे हमेशा रिपीट होता है और सिलेबस का हिस्सा है, हाँ वेरी गुड, तो इतना से बिल्कुल एग्जैक्टली सब क्वेश्चन लिख पाएंगे। सेकेंड यूनिट बताइए, मानव भूगोल, इसमें माजी सर की बुक खरीद ली तभी बुरा नहीं है, अगर माजी सर की बुक में अगर 2 बुक को ग्रेड किया जाए तो मानव भूगोल सबसे अच्छी बुक है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के टीचर थे। उसके बाद लिखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमने बताया, चौथा बस्ती भूगोल, क्लास नोट्स फॉलो कीजिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी नेक्स्ट हो गया। हाँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पूरे कवर हो गए कि पूरा का पूरा आपको 5 + 6 11 यूनिट याद हो गया, कितने 11 यूनिट आपको क्लियर हुआ। देखिएगा जब आपको सिलेबस यूनिट पूरा ख्याल हो तो फिर कंटेंट्स को पढ़ना दूसरा काम हो जाता है, फिर विषय वस्तु पे काम करना इजी हो जाता है। तो 11 यूनिट सीक्वेंस में आपके मेंटल मैप में आ गया होगा, क्लियर ना, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देखिए मैं आप लोगों को इसलिए याद करा रहा हूं कि ये कोर्स फाउंडेशन कोर्स है, इसमें मैं नहीं मानता हूं किसी बच्चे ने मेंस लिखा हुआ है, मैं नहीं मानता हूं कि कोई प्रीलिम्स देने के बाद मेंस का एरियम बैठा होगा, मैं मानता हूं कि वो कैंडिडेट पहली बार ज्योग्राफी पढ़ने जा रहा है उसी वहां से। सर एक क्वेश्चन, हाँ सर, यहाँ 2 पार्ट है, फिजिकल और ह्यूमन सेक्टर, क्या दोनों 2 पार्ट जैसे क्वेश्चन का 25 25 का,
हाँ पूछते हैं, हाँ पूछते हैं ठीक ना, लेकिन फर्स्ट थ्री क्वेश्चन जो होगा फिजिकल का ही होगा ठीक ना, और उसके डिफरेंट एरिया को मिक्स किया होगा। अब मैं को ऐसे बताता हूं कैसे होगा, सपोज एक ने ज्यूमोर्फोलॉजी का क्वेश्चन आया तो उसके साथ ओसनोग्राफी मिक्स कर देगा, खंड क का ज्यूमोर्फोलॉजी फिर बी हो गया आपका ओसनोग्राफी का, या फिर किसी ने ओसनोग्राफी का एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का दिया तो उसके साथ क्लाइमेटोलॉजी का दे दिया ठीक ना। लेकिन जब मिक्स करने की बात होगी तो ऐसा आपको मिक्स नहीं मिलेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी का आपको पूछ दिया एक क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक और उसके बाद मानव भूगोल का पूछ दे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन लेके, ऐसा नहीं आता है ठीक ना। जब आप सेक्शन चेंज करते हैं तो उस एरिया से मिक्स मिलता है, क्लियर हुआ? हाँ ओके। नाउ कम टू द बी सेक्शन, बी खंड। आप देखिए कि हम लोगों ने 150 मार्क्स का एरिया पढ़ लिया ना, कितना पढ़ लिया, कितने मार्क्स का फर्स्ट इंट मीन्स 150, क्लियर ना। अब देखिए बी सेक्शन, बी सेक्शन में हमारे पास एरिया है, एक है इंडिया भारत का भूगोल और एक एरिया है बिहार का ज्योग्राफी, इंडिया एंड बिहार। अब देखिए इंडिया एंड बिहार का जो एरिया है उसमें सारे पक्ष होंगे, एक होगा फिजिकल एरिया, एक का ह्यूमन एरिया और इकोनॉमी एरिया, फिजिकल ह्यूमन एंड इकोनॉमी, ये पक्ष ही बिहार का भी होगा, बिहार फिजिकल, बिहार ह्यूमन एंड बिहार इकोनॉमी। देख रहे हैं फिजिकल में आपका आ गया भू आकृति, वहां की क्लाइमेट और सारे कंपोनेंट्स आ गए ठीक है ना, वनस्पति आ गया, मिट्टी आ गया, और जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसमें पॉपुलेशन इकोनॉमिक का एरिया आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया है आप बहुत ही करेक्टली आपको एसेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो बहुत ही मैटर रखता है, और जो पूरी तैयारी है वो इस पर निर्भर करता है कि एनसीईआरटी को कैसे किया है। यहाँ पे सबसे पावरफुल जो मटेरियल हो गया वो हो गया आपका एनसीईआरटी, जो फर्स्ट सेक्शन में बी सेक्शन में एनसीईआरटी नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पे पूरी फिजिकल एंड ह्यूमन एरिया में क्लास 11 एंड 12 का ये दोनों बुक आ गया, एक फिजिकल इंडिया एक ह्यूमन इकोनॉमी इंडिया। तो इसको करने के बाद इस एरिया में आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जहां पर फिजिकल एरिया खत्म होता है ह्यूमन एरिया की शुरुआत होती है, उस एरिया में देखिएगा कि आपको बुक से कंटेंट्स कम मिलेगा, बुक का सही योग फिजिकल मिलेगा, सम एरिया में ह्यूमन में भी पॉपुलेशन तक मिलेगा, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा बुक का हेल्प नहीं मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें क्लास नोट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इंडियन ज्योग्राफी पे जितने भी हमने क्लास नोट्स तैयार करवाए हैं वो आपका वाइटल पॉइंट होगा, जहां पे आप सभी कंटेंट्स को, इकोनॉमिक एरिया को, इंडस्ट्री को, रिसोर्स को, आपको उसके ट्रांसपोर्टेशन को, वो सभी को रिच कर पाएंगे, लेकिन उसका बेसिक आधार एनसीईआरटी होगा ठीक है। चूंकि एडवांस स्टडी होगा, आमतौर पर जो कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं वो खुल्लर की बुक फॉलो करते हैं या तिवारी की बुक फॉलो करते हैं, लेकिन वहां भी देखिएगा हर एक सेंस में इंडियन ज्योग्राफी में आपको टीचर्स की क्लास नोट्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, वहां पे इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा ठीक है। तो ये एरिया हम करेंगे अपनी क्लास नोट से। अब बिहार का ज्योग्राफी है, ये एक ऐसा एरिया है जो बिहार के बच्चों के लिए जरा सा प्रॉब्लम होता है, और जबकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए राइट। देखिएगा थ्री राइटर्स की बुक है, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, सिन्हा एंड अहमद की बुक है, एक और भी राइटर है उसमें, तो इसका ग्रुप में मैं एक कवर आपको शेयर कर दूंगा, वो ऑप्शनल के लिए बेहतर है आपको। जैसे फिजिकल, जैसे देखिएगा पिछली बार पूछा गया बिहार का इंडस्ट्रियल रीजन लिखिए, तो उस बुक से बेहतर से लिख पाएंगे हम। देखिएगा बिहार का फिजियोग्राफी, इससे पहले बैच के बच्चों ने लिखा हमारे, तो फिजियोग्राफी हमने वहां से ही पढ़ाया, ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्पेशल नॉलेज उसमें जोड़ा,
बात समझते हैं। तो उस एरिया में आप उस बुक को फॉलो कीजिए और लास्ट में क्लास नोट्स को फॉलो कीजिए। क्लास नोट्स थोड़ा अपडेटेड होगा और उस चीज़ को एग्जामिनेशन के अनुरूप बनाया होगा। वहाँ पे बहुत सारी बात लिखी हुई जो आपके लिए ज़रूरत नहीं भी है, बट पॉइंट्स और सारे एनालिसिस ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अहमद की बुक, तो इसमें अब देखिए बात आती है यहाँ पे कि सबसे पहले देखिएगा कि जो कैंडिडेट बेहतर अंक लाता है उसको सेकेंड पेपर या खंड बी मदद किया होता है। देखिएगा कभी कभी बी सेक्शन आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो न केवल 210 230 तक जाएंगे, यहां तक आपको मैंने कह सकते हैं कि फाइनल ग्रेड में सिलेक्शन के लिए। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी, बिहार के ज्योग्राफी को अगर आपने अच्छा किया है तब जाएंगे, नहीं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एरिया में आपको बहुत अच्छा अंक आया हो और इंडियन ज्योग्राफी कम कर देगा आपको, राइट। जो सभी कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम होता है वो आके इंडिया में हो जाता है, वहां पे आपको कंटेंट्स कम हो जाते हैं, डेटा अपडेटेड नहीं होते हैं, या फिर जो रिलेवेंट टॉपिक पूछ दिया वहां से मिस कर जाते हैं। तो अगर आपको कोई 25 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा से ना लिखा हो, बैलेंस नहीं हो, तो आपको वहां पे कम मार्क्स मिलते हैं। तो यहां पे दोनों ही सेक्शन में मैं बोलूंगा क्लास नोट्स फर्स्ट, क्लास नोट्स को ही फॉलो करें, क्योंकि जिस बैच का पेपर हो क्लास नोट्स हो वो आपको उस एग्जाम के अनुरूप चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट एरिया था जिसमें हमने पूरे सिलेबस के एक स्वरूप को विकसित किया और हमने निर्धारित किया अगर आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हैं तो कौन से बुक पढ़ेंगे या फिर आपका रेफरेंस एरिया क्या होगा। अब बात आता हूँ कि मेरी कंटेंट्स, मेरी टीचिंग एरियाज पे, आज चूंकि फर्स्ट डे है, इससे पहले मैं मैथ पढ़ाते रहूँ आपके बैच में, तो कल से जो है जो भी मैप करना चाहेंगे वो जीएस बैच है जो 10 बजे होता है, उसको मैं पढ़ाता हूँ 10 से 11, उस बैच में मिलके मैप कर लीजिए। उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँ कि जो जीएस बैच क्यों ज्वाइन किया, उसमें आपको लिंक भेज देंगे, मेरे साथ सभी कॉन्टिनेंट कर लीजिए एक सीरीज में, तो आपको ये पढ़ना आसान हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। सो 10 से 11 जो ज्वाइन कर सकते हैं वो होंगे, तो मैपिंग इजी हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो फर्स्ट एरिया है आज के सेक्शन का वो है जियोमॉर्फोलॉजी। एक चीज़ और भी बताता हूँ, कभी कभी कैंडिडेट एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद पूछते हैं ज्योग्राफी का किस सेक्शन से शुरू करूँ, मॉर्फोलॉजी मैं किस सेक्शन से शुरू करूं, कहां से पढ़ना शुरू करूं। कभी कभी देखे कि कैंडिडेट्स हैं ओशनोग्राफी से शुरू किया, क्लाइमेटोलॉजी से शुरू किया, मैं ये कहूंगा कि ऐसे एरिया से शुरू कीजिए जो जो मॉर्फोलॉजी का एरिया है, चूंकि वहां से जुड़ा हुआ है सारा चीज, जो मॉर्फोलॉजी से ओशनोग्राफी जुड़ा हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी से देखिएगा ओशनोग्राफी जुड़ा हुआ है। तो मैं इस सीक्वेंस में बोलूंगा कि सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, फिर ओशनोग्राफी, देन क्लाइमेट करें, तो बायोजोग्राफी खुद ही समझ में आएगा। तो सीक्वेंस में रखिए, ऐसा नहीं कि बीच से उठा लिया, अगर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास हैं तो कभी ऐसा ना करें कि ओशनोग्राफी को पहले उठा लें या क्लाइमेटोलॉजी को पहले उठा लें। सो डू स्टार्ट फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी आपको पूरा तभी समझ में आएगा जब आपको फर्स्ट एरिया से, फर्स्ट यूनिट से आप जुड़ेंगे जो आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि देखिए जैसे वैगनर थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं, वो तभी समझ में आएगा जब जियोलॉजिकल एज पढ़ा हुआ हो, क्योंकि हर एक जगह जियोलॉजिकल एज की जरूरत पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी में जियोलॉजिकल एज पढ़ाया हुआ है, राइट, देखा होगा, या मेरी पुराने लेक्चर में भी देखिएगा जब हमने क्लास शुरू किया है तो जियोलॉजिकली इससे शुरू किया है, ठीक ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ बताए हैं, आपने काफ़ी एनर्जी भी लगाया होगा, और ऐसी एनर्जी नहीं होगी जहाँ से मैं टॉपिक डिस्कस करूँ, आप इतना से एक घंटे मेरे साथ बने रहें, इसलिए जो फ्रेश एरिया है फर्स्ट टॉपिक,
मैं कल पढ़ाऊंगा और कल जरूर टाइम पे ज्वाइन करें, 6:30 to 8 आपका टाइम होगा, और उसके दौरान हम ज्योग्राफी के मेजर इश्यूज को, जो फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। क्लियर? देखिएगा सिलेबस उसी रूप में चलेगा जैसा हमने आपको बुनियाद दी, आप बेस दिया, वहां से हम पढ़ेंगे। सो इट इज अ फर्स्ट क्लास फॉर ऑफलाइन ऑनलाइन बैच, और यहां से हम चीजों को डेवलप करेंगे, उतने पेस से रखेंगे कि एक क्लास के दौरान जितने भी कंटेंट्स मैं पढ़ाऊं, एक कंटेंट को याद हो जाए, और नेक्स्ट डे अगर जहां कहीं भी बैठता हो उस चीज को रिकॉल करता हो तो एक पेज पे याद करके लिख सकता हो। दूसरी बात हमेशा याद रखेगा, कभी कभी मैं लिखाता हूँ, नोट्स मोटा से तैयार हो जाता है और फिर एग्जाम टाइम में उसको पलटते हैं। एक काम तो जरूर कीजिएगा कि अगर मैंने पढ़ाया है कोई कंटेंट्स को, तो जिस कंटेंट को पढ़ाया है विद इन 24 आवर किसी भी समय एक रफ पेज पे लिख के देखिए कि क्या मुझे वो सारा याद हो गया है, क्या उसे मैं एग्जाम टाइम में सही ड्यूरेशन के दौरान लिख पाऊंगा, तो फिर मार्क्स आना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और रिजल्ट बनना प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आज का ये टॉपिक है, आज का एक टास्क है आप लोगों के लिए, कल मेरे क्लास शुरू होने से पहले 2 पेज में बीपीएससी के सिलेबस के 20 यूनिट। अब मैंने एक चीज टॉपिक छोड़ दिया था, वो इंडिया के टॉपिक में रीजनल प्लानिंग, वो बहुत ही विशिष्ट एरिया है और बिहार में वहां से क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो आप बिना किसी जगहों को देखे हुए बिहार के सिलेबस का 20 यूनिट सीक्वेंस में लिख देंगे, और उसके सामने कहां से पढ़ना है, अगर कोई टॉपिक्स आपको सभी याद है तो उस टॉपिक भी लिख देंगे, तो हमारी जर्नी कल से एक प्रॉपर रास्ते पे आ जाएगा, और फिर हम कंटेंट कल से याद करेंगे, जो मैं पढ़ा दूं उसको लिख डालिए, और फिर जब 120 टॉपिक्स हो जाए तो सभी पे एक राय बन जाए, और फाइनली जब मेंस एग्जाम लिखें तो उस समय कम से कम 60 टॉपिक के आप मास्टर हो, राइट? सो आज के इस सेशन को मैं क्लोज करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ, जैसे हमने फर्स्ट डे शुरू किया है, इसी एनर्जी के साथ लास्ट डे तक बने रहें तो ज्योग्राफी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? सो थैंक यू आप सभी को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वन एंड ऑल।